हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सोरा के बारे में दोस्तों। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि मैंने जो नर्सरी जो विजिटिंग किया था तो कुछ प्लांट खरीद के लाया था, और मैंने बताया था कि इसे स्पेशल इसका रिपोर्टिंग करेंगे, अलग से साथ में नहीं रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि सीजनल प्लांट और परमानेंट प्लांट में काफ़ी अंतर होता है दोस्तों। तो ये परमानेंट प्लांट है और इसका फ्लावरिंग दोस्तों काफ़ी खूबसूरत पूरा भर के आया हुआ था अभी कुछ दिन पहले। अभी देख सकते हैं कि भाई फ्लावरिंग में है और काफ़ी सुंदर गुच्छा में इसका फ्लावरिंग आता है दोस्तों। इसमें कोई कोई दोस्तों बहुत बड़े प्रजाति का आता है जो फैलता चला जाता है, एक पेड़ के आकार की तरह बड़ा होते चला जाता है। लेकिन और दोस्तों ये जो है ड्रॉप वैरायटी का है दोस्तों, और इसे मिडिल कह सकते हैं। एक होता है दोस्तों जो काफ़ी लंबा हाइट भागता है दोस्तों, लेकिन इसका हाइट ज़्यादा नहीं जाता है दोस्तों। और ये जब भी होगा दोस्तों तो ये घना होता है, आप इसे देख सकते हैं छोटा में ही कितना घना है, बुसी है। अक्टूबर तक दोस्तों ये फ्लावरिंग करते रहता है, और इसलिए अभी रिपोर्टिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, चलते इसे रिपोर्टिंग करते हैं, इसके सॉइल मीडिया को बनाते हैं, और थोड़ा आज हम इस सॉइल मीडिया थोड़ा अलग तरीका से बनाएंगे दोस्तों। चलिए, और दोस्तों इसे मैं 12 इंच के गमले में शिफ्ट करूंगा दोस्तों। 12 इंच भी इसके लिए थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, लेकिन अभी के लिए जब मैं नया लाया हूं दोस्तों तो इसे इसमें इसी में लगाऊंगा। इसे 1 ईयर मैं इसी में छोड़ूंगा दोस्तों, उसके बाद बड़े गमले में इसे ट्रांसफ़र करूँगा। तो आइए इसके मीडिया को तैयार करते हैं दोस्तों। इसमें पहले हम 50% मिट्टी लेंगे, और दोस्तों 50% मैंने गार्डन सोयल इसमें भर दिया है। और हम इस तरह से इसलिए मीडिया बना रहे हैं दोस्तों कि जो हमें अभी एक ही प्लांट लगाना है तो हमें उसी के अनुसार मिट्टी को तैयार करेंगे कि मिट्टी बचे नहीं, इसलिए मैं इसी गमले के अंदर ही मिट्टी को तैयार कर रहा हूँ। तो ये 50% मैंने मिट्टी गार्डन सोयल ले लिया दोस्तों, और इसमें कंपोस्ट डालते हैं। और दोस्तों 30% मैंने कंपोस्ट ले लिया है, और इसमें हम मिलाएंगे दोस्तों, और इसे कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, इसे राइस सक्स को मैंने 15% इसे मिला दिया है दोस्तों कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा काफ़ी अच्छा हो। और 5% हम मिलाएंगे दोस्तों, और 5% दोस्तों एक मुट्ठी के करीब नीम खली हम मिलाएंगे इसमें कि कीड़ा इसमें ना लगे, और इसे हम बाहर निकाल के अच्छे से मिला देते हैं दोस्तों। तो चलिए इसे मिलाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मिलाना मैं भूल गया वो है दोस्तों स्टोन डस्ट, एक चम्मच, हार्डली एक चम्मच स्टोन डस्ट इसमें मिलाएंगे हम। और ये रहा दोस्तों स्टोन डस्ट, ज़्यादा नहीं, हार्डली एक मुट्ठी करीब है, और मैं इसमें मिलाऊँगा। और बाहर दोस्तों मैंने इसे निकाल लिया है, अच्छे से इसे मिला देते हैं दोस्तों। दोस्तों हम जल्दी जल्दी अभी करेंगे क्योंकि अभी आंधी आने वाला है, बारिश भी लग रहा है काफ़ी आएगा, आप देख सकते हैं इस हवा, काफ़ी हवा, ज़ोरदार हवा बह रहा है। हम स्पीड काम करेंगे दोस्तों, तो लगता है दोस्तों इसे स्टॉप करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर काफ़ी आंधी आ गया। ये देखिए काफ़ी आंधी आ गया दोस्तों, तो हम इसे स्टॉप करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों काफ़ी कस के आंधी आ गया था दोस्तों, और थोड़ा पानी भी पड़ा तो मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि बारिश में मिट्टी गीला होने के बाद रिपोर्टिंग सही नहीं होता दोस्तों। एक ये भी है जानना ज़रूरी है कि हम भींगा हुआ मिट्टी से रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, उस पर भी कभी बात करेंगे दोस्तों क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए इसे बाहर निकालते हैं, और इसे मैंने बाहर निकाला दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी इसका मिट्टी हार्ड है दोस्तों, और जैसे कि आपने देखा कि कुछ मिट्टी को मैंने निकाल दिया, अभी और निकालेंगे दोस्तों। ये परमानेंट प्लांट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, साइड साइड से आप इसे निकालें, और इसे निकाल के निकालते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको। और दोस्तों जिस रीति से देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने कुछ मिट्टी को मैंने साइड कर दिया है,
काफ़ी बड़ा बॉल था इसका मिट्टी का दोस्तों, और इसलिए कि दोस्तों इसको रूट को बढ़ने में काफ़ी सहायता हो मिले, और काफ़ी मिट्टी ठोस होने के कारण दोस्तों काली मिट्टी है तो इसमें ठोस होने के चलते रूट इसका डेवलप अच्छा से नहीं करता, तो इसलिए इसे निकालना पड़ा। अब इसे मिट्टी को निकालते हैं थोड़ा, उसके बाद हम इसे लगाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब इसको मिट्टी से पूरा फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगा दिया और इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार आप भी दोस्तों रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अभी अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या नर्सरी से लाना चाहते हैं एक जोड़ा, तो ज़रूर लाएँ और लगाएँ। काफ़ी खूबसूरत लगता है दोस्तों जो फ्लावरिंग इसका आता है तो, और ये जो कलर है बहुत प्यारा कलर है दोस्तों, तो बहुत कलर का आता है दोस्तों, आप लाएँ और लगाएँ। दोस्तों जब आप इसे अभी लगाएं तो इस तरह से जैसे रूट मैंने डिस्टर्ब हो गया इसका दोस्तों, तो ये लगाने के बाद आप एकदम पूरे शेडी एरिया में इसे रखें, एकदम कुछ दिन करीब 1 वीक तो ज़रूर रखें दोस्तों, डायरेक्ट सनलाइट में एकदम बिल्कुल ना रखें। तो उसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे इसे 1 सप्ताह के बाद सनलाइट में लाएँ, और शायद दोस्तों आपको देखने में लगे कि शायद पत्ते इसके गिर रहे हैं, थोड़े पीले हो रहे हैं रूट डिस्टर्ब होने के बाद, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, कोई भी सवाल है तो ज़रूर हमसे करें।